Hello and welcome back to Proxy Gyan. Welcome to this pre-NCRT series of history. I am Chandini Chandani, your mentor for history, and aaj main aapke saath discuss karne wali hu theme 4 of ancient history, yani themes in Indian history part 1 ka. Students, we have already taken two classes on this. Do classes already out hain, aap hamari playlist par check kar sakte hain. This is the third part in that series, jahan pe hum chapter 4 ko conclude karenge. तो पिछले हमारे क्लासेस में हमने पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में, हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में. उसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे स्तूपास के बारे में. यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्तूपास. सो सबसे पहले तो स्तूपास क्या, व्हाट आर स्तूपास, उसके बारे में हम बात करेंगे. सेकेंड थिंग इज दिस स्टूडेंट्स की चैत्य और विहार दो टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं. When you are preparing for UPSC और आप बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ते हो तो आप चैत्य और विहार दो टर्म्स आप देखते हैं. इवन PYQs भी आप देखेंगे तो चैत्यास और विहारास में डिफरेंस बताते हुए आपके प्रिलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको, इस टॉपिक को, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ योर्स. सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके जो स्तूपाज हैं वो क्या थे. उससे भी पहले हम जानेंगे चैत्यास क्या है. चैत्यास बेसिकली इज अ टर्म फॉर सर्टेन प्लेसेस विच वर रिकॉर्डेड एज सेक्रेड बाय द पीपल इन द अर्ली टाइम्स. ओके, ऐसी साइट्स जो कि होली साइट्स मानी जाती थी, ऐसी साइट्स जहां पर स्पेशल ट्रीज, यूनिक रॉक्स या फिर कुछ और इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी हुआ करती थी, यानी कि कुछ ऐसा पेड़ पौधे प्रकृति के पास वाला मंजर हुआ करता था, वैसी जगहों को आप देखते थे कि जो है उसके साथ प्लस रिलीजियस स्मॉल श्राइन्स भी अटैच हुआ करते थे, उन्हें चैत्यास कहा जाता था. ओके, सो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके सामने पीडीएफ में, गिव मी अ मिनट. जी, तो चैत्यास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है दीज इंक्लूड साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स और साइट्स ऑफ ऑल इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी. दीज साइट्स विद स्मॉल श्राइन्स अटैच टू देम वर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज चैत्यास. ठीक है जी, वैसे आपका जो है चैत्य वर्ड कहाँ से निकल करके आता है, तो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है चिता. आपने नाम सुना होगा चिता, क्या होता है, फ्यूनरल पायर, राइट? तो चैत्या जो है चिता वर्ड से डिराइव हुआ है. एंड फ्यूनररी माइंड माउंट, आप कहिए कि फ्यूनररी माउंट या ढेर का एक एक्सटेंशन है चैत्या. ओके जी, ओरिजिन इस वर्ड का आपके सामने है, दिया हुआ है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे. और अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर की, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत सारे चैत्यास की कहानी, चैत्यास की बातें हमें बताता है. ओके, और मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आया था तो उसमें चैत्यास और विहारास में क्या डिफरेंस था. स्टूडेंट्स, चैत्यास बेसिकली प्लेस ऑफ वर्शिप है बुद्धिज्म में, ऐसी जगह है जहां पर वर्शिप किया जाए, पूजा की जाए. ठीक है जी, विहारास क्या है, नाम से ही आपको मालूम हो रहा होगा, विहार मतलब रहने की जगह, ऐसी जगह जहां पर मॉन्क्स, भिखूस, भिकुनीस, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दे यूज टू ड्वेल, दे यूज टू रिसाइड. ओके, सो विहारास आर द प्लेसेस टू लिव, चैत्यास वर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन बुद्धिज्म. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो गौतम बुद्ध के जीवन से एसोसिएटेड चार इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर. लुम्बिनी, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये नाम आपको याद रखने हैं. कहाँ पे क्या हुआ था वो भी हम बात करेंगे इसके बारे में. सो लुम्बिनी की अगर हम बात करें, लुम्बिनी में हुआ था जन्म गौतम बुद्ध का, जहां पे उन्हें वो बुद्ध बने, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई, प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट दैट इज बोध गया. जहां पे उन्होंने पहला सरमन दिया, पहला वचन दिया, वो है सारनाथ. और जहां पर निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई, प्लीज करेक्ट इट हियर, एनलाइटनमेंट हुआ वो बोध गया, और निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति जहां पे हुई, द प्लेस वेयर ही ब्रेथ लास्ट इज कुशीनगर. ओके, तो ये चार प्लेसेस बुद्ध के जीवन से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है. ओके,
और ये जो चार प्लेसेस हैं इन्हें सीक्रेट भी माना जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, स्तूपा क्या है। सो स्तूपाज आर द माउंट्स, स्तूपाज आर द माउंट्स। माउंट्स क्या होते हैं? टीले। कुछ ऐसे शेप में आपको स्तूपाज देखने को मिलेंगे, राइट। स्तूपाज माउंट्स होते हैं, कुछ आपको ऐसे अंडाकार शेप में स्तूपाज देखने को मिलेंगे। और आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी में तो बहुत ही डिटेल से ये वर्णन दिया हुआ है, जो कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, माउंट्स जहां पर बुद्ध के रेलिक्स, बुद्ध के आप कहिए कि बॉडली रिमेन्स या जो वो ऑब्जेक्ट यूज करते थे वो रखे जाते हैं, रखे गए थे, बरी किए गए थे, उनके ऊपर ही स्तूप खड़े होते हैं। ओके, इट इज नोन दैट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ बुद्ध रेलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड अशोका ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपाज ओवर देम। सम्राट अशोक ने बुद्ध के रेलिक्स को, बुद्ध के अवशेषों को हर एक इंपॉर्टेंट जगह पर, इंपॉर्टेंट शहर में बांटा था और वहां पर स्तूपों का कंस्ट्रक्शन, स्तूपाज का कंस्ट्रक्शन करने का ऑर्डर दिया था। स्तूपाज बरहुत, सांची, सारनाथ में भी बिल्ट हुए, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, सेकेंड सेंचुरी BCE में आपको देखने को मिलता है। एंड इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं हमें स्तूपाज के पिलर्स से या फिर स्तूपाज की रेलिंग से, वो हमें एक आइडिया देते हैं कि कौन कौन से किंग्स, गिल्ड्स, गिल्ड्स यानी श्रेणीज हम पढ़ चुके हैं, भिक्कूस, भिक्कुनीज, ऑर्डिनरी मैन, विमेन, किसने किसने डोनेशंस दिए हैं उस मॉन्यूमेंट को बनाने में या फिर उस मॉन्यूमेंट को बिल्ड करने में। ओके, ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। ओके, जब हम बात करते हैं स्तूप के स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैंने आपसे कहा अंडा आकार है, सेमी सर्कुलर माउंड है और उसके ऊपर है हर्मिका। ये है हर्मिका, छतरी टाइप की, फ्लैग टाइप का आपको दिखेगा, दैट इज हर्मिका। और उसके चौधारी चारों तरफ होता है एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे हम कहते हैं कि ये ईश्वर का घर है, अबोड ऑफ गॉड ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, ये आपका माउंड टाइप शेप हो गया, ये आपका हर्मिका हो गया और ये आपको बाउंड्री चारों तरफ दिख रही है। कुछ पिलर्स हैं जिनके आधार पर आप देख रहे हैं कि बाउंड्रीज खड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके इस चैप्टर में दी हुई हैं। हाँ, हर्मिका को, हर्मिका को आप जो है कह सकते हैं द टॉप ऑफ अ थिंग, जो अंडा आकार के ऊपर आपको जो देखने को मिले वो हर्मिका है। ओके, एंड यष्टि भी एक वर्ड है, अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वॉज द मास्ट कॉल्ड द यष्टि। थोड़ा सा हम वापस से चलते हैं पिक्चर पर और मैं आपको और एक बार क्लियरली समझा देती हूँ यष्टि और हर्मिका क्या है। देखिए जी, ये है माउंट, ये आपकी हो गई यष्टि एंड ये बीच में आपको कुछ अगर पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन आपका हो गया हर्मिका। ओके, लेट मी क्लियर दिस, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड। माउंट, माउंट के ऊपर कुछ रेक्टेंगुलर सा जो है वो हर्मिका, उसके ऊपर छतरी जैसा जो है वो है आपका यष्टि। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्तूपास। अर्ली स्तूपास आपको सांची और बरहुत में देखने को मिलते हैं और सांची और बरहुत के जो स्तूपास हैं वो मेनली प्लेन है। स्टोन की रेलिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, विच रिसेम्बल अ बैम्बू और वुडन फेंस, और उसमें गेटवेज देखने को मिलते हैं आपको चारों दिशाओं में, फोर कार्डिनल पॉइंट्स पे। जो गेटवेज है वहां पे बहुत ज्यादा कार्विंग आपको देखने को मिलती है। एंड स्टूडेंट्स, उसके अलावा पेशावर में शाहजी डेरी, शाहजी डेरी या अमरावती के जो स्तूपाज हैं वहां पे आपको बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। जो सांची और बरहुत के स्तूपाज है वहां पर स्कल्पचर्स इतने पॉपुलर नहीं थे, स्कल्पचर्स इतने नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि आपको लेटर स्तूपाज अमरावती और शाहजी डेरी पेशावर में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ आप याद रखिएगा। उसके अलावा थोड़ा आपके NCERT में अमरावती का डिस्कशन दिया हुआ है, तो अमरावती के बारे में बात कर लेते हैं हम। अमरावती में एक महाचैत्य आपको देखने को मिलता है। ओके, एंड अमरावती के फेट के बारे में, अमरावती के नसीब के बारे में थोड़ा कुछ आपकी किताब में दिया हुआ है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1796 में देयर वाज अ लोकल राजा, लोकल किंग, हु स्टंबल्ड अपॉन द रूइंस ऑफ द स्तूपास एट अमरावती एंड ही यूज्ड इट स्टोन टू बिल्ड अ टेम्पल, ठीक है। एंड देन इन 1854 देयर वाज वॉल्टर एलियट, द कमिश्नर ऑफ गुंटूर, आंध्र प्रदेश, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करती जाती हूँ।
1854 में वॉल्टर इलियट जो कि कमिश्नर थे गुंटूर के, अमरावती जाते हैं और बहुत सारे स्कल्पचर पैनल्स को कलेक्ट करते हैं और अपने साथ उन्हें मद्रास लेकर के जाते हैं एंड वहां से उन्हें जो है रिमेन्स मिलते हैं. ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न गेटवे एंड केम टू द कंक्लूजन कि अमरावती में जो अभी टेम्पल दिख रहा है वो पहले बुद्धिस्ट स्तूपा हुआ करता था. ओके ये जो है आप अमरावती का केस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. और इसमें आपके याद रखने लायक क्या है उस पर हम थोड़ी नजर डाल लेते हैं. ओके चलिए, तो अमरावती को बहुत ज्यादा पढ़ा गया, अमरावती को जो है समझा गया एंड समझने के बाद अमरावती के केस का डिस्कशन ही डिटेल में दिया है. H.H. कोल करके आपके एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने लिखा इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशियंट आर्ट. तो वो ऐसा बिलीव करते थे कि म्यूजियम जो है उसमें आपके स्कल्पचर्स रखे होने चाहिए और जो भी ओरिजिनल चीजें हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली अमरावती के केस में कोल वॉज नॉट एबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज ऑल दो हिज प्ली फॉर इन सीटू प्रिजर्वेशन वॉज अडॉप्टेड इन केस ऑफ साची. तो साची में ओरिजिनल प्लेस में जो भी स्तूपास या जो भी आपके रिमेन्स मिले उनको इन सीटू यानी इन साइट ओरिजिनल प्लेस पर प्रिजर्व किया गया. कोल की जो मर्जी थी, कोल की जो रिक्वेस्ट थी उसको वहां पर अडॉप्ट किया गया. बट दैट वॉज नॉट केस इन अमरावती क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमरावती में बहुत सारे स्लैब्स और बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे स्कल्पचर्स वहां से उठा उठा करके और अलग जगह ले जाए जा रहे थे टू स्टडी. जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कैलकटा में, इंडिया ऑफिस मद्रास में, इवन कुछ लंदन में भी रिमेन्स गए हुए हैं अमरावती से. सो अमरावती में आप देखते हो कि ये प्रिजर्वेशन इन सीटू हमें देखने को नहीं मिलता है. तो अब आपके प्रीलिम्स में क्या पता सवाल आ जाए कि अमरावती में स्तूपास आर इन सीटू प्रिजर्व्ड? नो दे आर नॉट. ओके चलिए अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ बात कर लेते हैं हम. द रोल ऑफ बेगम्स ऑफ भोपाल. भोपाल की बेगम्स आपने पढ़ी होंगी, भोपाल की बेगम्स जो है बहुत ही पॉपुलर रही. तो भोपाल की जो बेगम्स हैं उनका क्या रोल रहा इन प्रिजर्विंग दी स्तूपास इन देयर एरिया, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं. यस सो लेट्स डिस्कस क्विकली द रोल ऑफ बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग दी स्तूपास. सो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रिजर्विंग दी स्तूपास एट साची, साची मध्य प्रदेश में है वही. So dear students, among the best preserved monuments अपने समय के is the stupa at Sachi. 19th century में Europeans पहले French और फिर British आए और उनको बहुत interest था कि वो stupa जो Sachi का stoop है उसके eastern gateway को London ले जाएं, London के museum में जा करके रखें. उस समय Shahjahan Begum of Bengal of Bhopal, she took a very wise decision to make plaster cast copies to please Europeans. ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, वैसे ही प्लास्टर कास्ट कॉपीज बनवा करके यूरोपियंस को दे दी शाहजहां बेगम ऑफ भोपाल ने और ओरिजिनल जो पीस है उसको वहीं पर अपने स्टेट में रखा, ओरिजिनल पोजीशन पर रखा. तो इन सीटू प्रिजर्वेशन आपको जो साची का स्तूप है वो कैसे देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स द रूलर्स ऑफ भोपाल लाइक शाहजहां बेगम और फिर उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम, दे एक्चुअली प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट. And then museum was built, publication of volumes was done by John Marshall. इन सबको उन्होंने fund किया. साची स्तूपा जो कि बुद्धिस्ट सेंटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर अर्ली बुद्धिज्म को समझने के हमें बहुत अच्छे रिमेन्स मिलते हैं. एक्चुअली इट स्टैंड एज अ टेस्टिमनी टू द सक्सेसफुल रीस्टोरेशन ऑफ अ की आर्कियोलॉजिकल साइट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रिजर्वेशन का काम था दैट वॉज रियली वेरी कमेंडेबल बाय द बेगम्स ऑफ भोपाल, विच यू हैव टू रिमेम्बर. अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि साची पे जो स्कल्पचर्स मिले, तो साची पे जो स्कल्पचर्स मिले दीज आर एक्चुअली स्क्रोल्स ऑफ स्टोरीज. जातकास क्या है, जातकास आपकी कहानियां हैं. जातकास क्या है, तो जातकास आपकी कहानियां हैं गौतम बुद्ध के जन्म की या फिर गौतम बुद्ध के पिछले जन्म से एसोसिएटेड. ओके जातकास आर स्टोरीज एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्ध और द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्ध. ओके सो जातकास की जो स्टोरीज हैं वो सारी आपको एनकार्व दिखती हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्कल्पचर्स एट साची स्तूप. जैसे कि वे संतर जातक,
की कहानी भी आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे प्रिंस सब कुछ अपना एक ब्राह्मण को दान दे देते हैं और फिर जंगलों में चले जाते हैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ और वहीं जाकर के सन्यासी जीवन जीते हैं। तो ये सारी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, देखिए ये आपको देखने को मिलती है बुद्ध स्तूपास के स्कल्पचर्स पर। ओके, जातकों की कहानियां, तो ये आपको थोड़ी सी जो है इंटरेस्टिंग चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वेसंतर जातक की कहानी है, बहुत ही दयालु, बहुत ही जेनरस प्रिंस थे जो कि अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान दे देते हैं और अपना चले जाते हैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ जंगल में जाकर के जीवन व्यतीत करते हैं। इधर कुछ आपको स्कल्पचर्स के पिक्चर्स भी दिख रहे हो, अगर आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं तो ऐसा कुछ कहानी आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगला आपका हेडिंग है सिंबल्स ऑफ वर्शिप। जब हम बात करते हैं वर्शिप के सिंबल्स की इन बुद्धिज्म, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखने हैं। अर्ली स्कल्पचर एक्चुअली डज नॉट हैव द इमेज ऑफ बुद्धा, बुद्धा का इमेज वर्शिपिंग नहीं होता था, बल्कि सिंबल्स वहां पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे कि एक एम्प्टी सीट, एम्प्टी सीट का मतलब हुआ करता था रिप्रेजेंट्स द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, एंड स्तूपा अगर बना हुआ है तो महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर व्हील बना हुआ है तो व्हील फर्स्ट सरमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले सरमन को, पहले जो उन्होंने संदेश दिया बुद्ध ने उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारनाथ ने पहला सरमन दिया था। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप देखते हो, आपको देखने को मिलते हैं सम सिंबल्स ऑफ वर्शिप। एज इट इज ऑब्वियस सच स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली, ये सिंबल्स आप लिटरली तो नहीं समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इमेज ऑफ अ ट्री डज नॉट स्टैंड सिंपली फॉर अ ट्री, अगर एक ट्री है तो वो ट्री के लिए स्टैंड नहीं करेगा, बल्कि वो बुद्ध के जीवन का कोई इवेंट आपको डिपिक्ट करके बताने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे आप डीकोड करोगे जो स्कल्पचर्स पर चीजें बनी हुई हैं। पेड़ बनाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ बना हुआ है, पेड़ बनाए तो उसका मतलब है शायद बुद्ध का जो उन्होंने एनलाइटनमेंट ग्रहण किया, ओके, क्योंकि वो एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बस। हेंस हिस्टोरियंस हैव टू फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद द ट्रेडिशंस ऑफ दोज हू प्रोड्यूस दीस वर्क्स ऑफ आर्ट। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वैसे ही जिसने भी ये ड्रॉ किया उसके आपको कॉन्टेक्स्ट को, उसके ट्रेडिशन को समझना है। हिस्टोरियंस उसका प्रयास करते हैं और तब जाकर के बहुत कुछ डिकोड कर पाए, ओके। इवन हमने ये भी एक ट्रेंड देखा स्टूडेंट्स की सांची के जो स्कल्पचर है वो डायरेक्टली बुद्धिस्ट आइडिया से इंस्पायर्ड नहीं है। कुछ स्कल्पचर्स ऐसे भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ब्यूटिफुल विमेन है, शी इज स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेट वे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री, एक पेड़ को पकड़ करके शी इज स्विंगिंग, ऐसा कुछ दृश्य बना हुआ है, ओके। और इन्हें शाल भंजका के नाम से आप आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आपकी बुक में भी हाईलाइट करती जाती हूँ साथ ही साथ, इन्हें आप शाल भंजका के नाम से हाईलाइट आप इनको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इनका नाम शाल भंजका के नाम से आप इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। अब शाल भंजका का मोटिव क्या सजेस्ट करता है, इट इज लाइकली दैट दिस वॉज रिगार्डेड एन ऑस्पिशियस सिंबल एंड इंटीग्रेटेड इन टू द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा। ऐसा माना जाता है ये जो महिला है जो पेड़ों को टच कर रही है या शी इज स्विंगिंग, तो ये किस कारण आपको देखने को मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ दिस वॉज अ विमेन हु टच्ड हूज टच कॉज ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट। ऐसा माना जाता है एक ट्रेडिशन के अनुसार कि ये जो महिला है ये पेड़ों को टच करती हैं और पेड़ जो है उनमें हरियाली आ जाती है, उनमें फल फूल आ जाते हैं, पेड़ अगर सूखे हैं तो वो एकदम से हरित हो जाते हैं। मेनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज्म एनरिच्ड इट विद देयर ओन ट्री बुद्धिस्ट एंड इवन नॉन बुद्धिस्ट बिलीव्स प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज, ओके। तो अब सबका अपनी अपनी एक मान्यता है, तो कहीं पर भी आपको अगर ये चेंज डिनोट करना है तो आप ये महिला को बना देते हैं, शाल भंजका का चित्र आपको देखने को मिलेगा। इवन स्टूडेंट्स बहुत सारे एनिमल्स के भी मोटिव्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट स्ट्रेंथ और विजडम को रिप्रेजेंट करते हुए बनाए गए हैं। या फिर उसके बाद आपको एक और फिगर देखने को मिलता है सांची स्तूप पे, वो है माया का, माया इज द मदर ऑफ बुद्धा और पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी, ओके। उसके बाद आपको एक सर्पेंट का भी मोटिव देखने को मिलता है, तो जो सर्पेंट का आपको मोटिव देखने को मिलता है, हिस्टोरियंस इसके लिए भी अलग अलग कहानियां बताते हैं, जैसे कि जेम्स फर्ग्यूसन एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि सांची जो है वो सर्पेंट वर्शिप और ट्री वर्शिप का एक सेंटर हुआ करता था, सर्पेंट वर्शिप और ट्री वर्शिप का एक सेंटर हुआ करता था। यहाँ पर आप शाल भंजका को देख सकते हैं, शाल भंजका का ये चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। और जो एलिफेंट आपको देखने को मिलता है पावर स्ट्रेंथ को डिनोट करते हुए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो
तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ वर्शिप आपको याद करने हैं एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सो महायान बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की एक सेक्ट के रूप में ओरिजिन होता है। एक्चुअली फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी सीई वी हैव सीन देयर हैव बीन चेंजेस इन द बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिस। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निर्वाण। Buddha was regarded as a human being, right? It was believed that he is the one who can ensure salvation. And similarly, the concept of Bodhisattva developed. Bodhisattva actually were the people who were perceived as deeply compassionate beings who could help others to attain Nirvana. मतलब क्या हुआ मैम, आप क्या बोल रहे हो? देखिए, पहले के जो बुद्धिज्म के आइडियाज आप देखते हैं, हमने देखा कि बुद्धिज्म के पहले के आइडियाज इस पर फोकस करते थे, अर्ली बुद्धिज्म के, कि व्यक्ति अपने ही एफर्ट से निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। बुद्ध एक ह्यूमन बीइंग थे, राइट? बुद्ध एक ह्यूमन बीइंग थे जो एनलाइटनमेंट के पथ पर चले और निर्वाण की प्राप्ति की अपने एफर्ट से। तो वैसे ही आप भी उसी पथ पर चल के निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है जी। धीरे धीरे बौद्धसत्व का, बौद्धसत्तास या फिर बौद्धसत्व, मैं लिख देती हूँ बौद्धसत्वास या फिर बौद्धसत्व का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। बौद्ध सत्वास भी कहीं कहीं आप देखेंगे, कहीं कहीं बौद्ध सत्स भी देखेंगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और बौद्ध सत्वास या बौद्ध सत्य जो है वो पॉपुलर हो गए। तो इमेज वर्शिपिंग पहले अर्ली बुद्धिज्म में आपको देखने को नहीं मिलती है। बौद्ध सत्वास कौन थे? बौद्ध सत्वास वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बींग्स। ये बड़े दयालु व्यक्ति हैं जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो रही थी, पर इन्होंने अपने निर्वाण की प्राप्ति को पोस्टपोन किया। क्यों किया भाई? ऐसी क्या आन पड़ी थी? ताकि वो दूसरों का उद्धार कर सके। ओके, सो द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम बिकेम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन। हमने देखा कि फर्स्ट सेंचुरी सी के आते आते बुद्धिस्ट आइडियाज में, प्रैक्टिसेस में बहुत सारे चेंजेस हुए, और उसी समय में हमने देखा कि बुद्ध की इमेजेस बनने लगी, बोधिसत्वास की इमेजेस बनने लगी, और इमेज वर्शिप, आइडल वर्शिपिंग होने लगी। ये जो नया वे ऑफ थिंकिंग हमारे सामने इमर्ज होता है, इसे महायान कहा गया या फिर ग्रेटर व्हीकल। महायान आप समझ सकते हैं, महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल, द ग्रेट व्हीकल या और द ग्रेटर व्हीकल। और बाकी जो लोग अभी आइडल वर्शिपिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि प्राचीन या फिर एंशंट बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, वो ओल्डर ट्रेडिशन के हुए, और वो हीन यान के हुए याने लेसर व्हीकल, वो हीन यान के हुए याने लेसर व्हीकल। ओके जी, तो ये है हीन यान और महायान का आपका ओरिजिन, जो कि आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके अलावा हमने और चीजें भी देखी। देखिए, जब बुद्धिज्म जैनिज्म आया, बुद्धिज्म जैनिज्म पॉपुलर होने लगा, तो ब्राह्मणिज्म, वैदिक रिलीजन जो उस समय चल रहा था, उसमें भी चेंजेस आने की बात होगी, राइट? सो पुराणिक हिंदुइज्म भी इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन के रूप में हमें डेवलप होते हुए दिखता है। देर वॉज वैष्णविज्म जो कि पॉपुलर हो रहा था, एंड देन देर वॉज शैविज्म। दो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन उस समय हमें पुराणिक हिंदुइज्म में देखने को मिलते हैं, जो कि वैष्णविज्म और ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म के समय में आप देखते हो, एक तो वैष्णविज्म और दूसरा आपको शैविज्म देखने को मिलता है एज इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स। वैष्णविज्म हिंदुइज्म का वो स्वरूप जहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा हो, शैविज्म हिंदुइज्म का वो स्वरूप जहाँ पे भगवान शिव की पूजा हो रही हो। ओके, एंड यहाँ पे एक फोकस किया गया कि ईश्वर के प्रति आपको लव एंड डिवोशन रखना है, भक्ति भाव रखना है, और जो भी रिचुअल सेक्रीफाइसेस, जो भी पहले की प्रथाएं थी जिससे लोग परेशान थे, वो सब थोड़ी आपकी अंडरमाइन होने लगी, उनका रेलिवेंस कम होने लगा, एंड वैष्णविज्म शैविज्म कल्ट आपके सामने डेवलप होने लगा। ओके, एंड वैष्णविज्म कल्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वैष्णविज्म में वी हैव सीन वेरियस अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एज वेल, इनकार्नेशंस और अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु एज वेल। तो वैष्णविज्म में कुल भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। अवतार एक्चुअली क्या होता है? तो वो फॉर्म होते हैं डीटी के, जो कि डीटी खुद अज्यूम करते हैं इस दुनिया को बचाने के लिए, ठीक है? जैसे भी आप कहिए कि पाप का घड़ा बढ़ता है, तो भगवान अलग अवतार लेते हैं, अलग जन्म लेते हैं, अलग रूप में जन्म लेते हैं। डिफरेंट अवतार्स भगवान विष्णु के पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, पार्ट्स में काफी पॉपुलर थे। वैसे ही शैविज्म में चीफ गॉड आपके लॉर्ड शिवा हैं।
शिवा की जो पूजा है लॉर्ड शिवा की दैट वॉज सिंबलाइज बाय द लिंगा ऑल्दो ही वॉज ऑकेशनली रिप्रेजेंटेड एज अ ह्यूमन फिगरीन एज वेल सम ऑफ दीज डीटीज वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स और बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज आपको डीटीज के बारे में देखने को मिलता है हिस्टोरियंस ने इसको पढ़ना चाहा इसको समझना चाहा और जिन्हें पुराण का ज्ञान था उन्होंने जो है इसको आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश की और मैंने आपको बताया कि हर एक भगवान के अलग अलग अवतार पूरे दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में पॉपुलर थे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वासुदेव कृष्ण ये मथुरा के रीजन में भगवान कृष्ण की पूजा बड़ी पॉपुलर थी और इवन अभी भी है राइट तो ये कुछ आपने पुराने हिंदुइज्म में अलग अलग कल्ट डेवलप होते हुए देखे एंड देन वी विल मूव टू ग्रोथ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिल्डिंग टेम्पल्स ग्रोथ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इसका भी हम ओवरव्यू लेंगे बाकी जब हम आर्ट एंड कल्चर की आपकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही डिटेल से हम टेम्पल आर्किटेक्चर को कवर करेंगे ओके जी चलिए तो शुरू करते हैं इस डिस्कशन को ग्रोथ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को एक तरफ आपने स्तूपास पढ़े राइट एक तरफ आपने स्तूपास पढ़े When the stupas at sites such as Sachi were taking their present form, similarly, at the same time, simultaneously, the first temples were also getting built. जब सांची में स्तूप बन रहे थे उसी समय के समकालीन हमने देखा कि पहले मंदिरों का भी निर्माण हुआ अर्ली टेम्पल सबसे शुरू का टेम्पल कैसा था एक छोटा सा स्क्वायर कमरा था जिसमें गर्भागृह था गर्भागृह आपको पता है सेंटम सेंटोरम के नाम से भी आप जानते हैं दैट इज द सेंटर ऑफ अ टेम्पल जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है भगवान की या देवी की तो एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर रूम था जहाँ पे गर्भागृह था और सिर्फ एक ही डोर था जहाँ से व्यक्ति आते थे और पूजा करते थे और वापस जाते थे ठीक है धीरे धीरे टेम्पल आर्किटेक्चर ग्रो होता है एक टॉल स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़े ऊंचे स्ट्रक्चर में जिसका शिखर भी है सेंट्रल श्राइन बड़ी हो रही है टेम्पल की दीवारें बहुत चौड़ी सी दिख रही हैं दीवारों पे आपको डेकोरेशन दिख रहा है स्कल्पचर्स बन रहे हैं असेंबली हॉल्स ह्यूज वॉल्स बड़े बड़े गेटवेज तोरण पानी पीने के लिए अरेंजमेंट और भी बहुत सारे फीचर्स हमने बाद के टेम्पल्स में देखे कि ग्रो होने लगे और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमने कुछ और भी देखा हमने ये भी देखा कि अर्ली टेम्पल्स का एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि वो रॉक कट टेम्पल्स थे काफी सारे रॉक्स को कट करके बनाए गए थे आर्टिफिशियल केव्स के फॉर्म में ओके And one such example of the carving out of entire temple out of a cave is in Maharashtra, Ellora Kailashnath Temple. Ellora Cave आपने पढ़ी है अजंता Ellora Maharashtra की Ellora Cave में Kailashnath Temple Maharashtra में एक ऐसा ही example है जो कि बहुत बड़े से आपके cave आपके चट्टान को rock को या cave को काट करके गुफा को काट करके और पूरा का पूरा temple बनाया गया है तो ये कुछ हमने टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स देखे जो कि उस समय डेवलप हो रहे थे आगे स्टूडेंट्स एक और आपके किताब में एक छोटा सा डिस्कशन रह जाता है इस चैप्टर में वो हम कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्टली द यूरोपियन स्कॉलर्स वर नॉट फैमिलियर विद द लोकल ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स सो दे वर फेसिंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द स्कल्पचर्स हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल स्कल्पचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा अभी आप सोचिए कि अगर किसी को नहीं पता इंडिया के लोकल ट्रेडिशन बिलीव्स के बारे में उसके सामने हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल का एक स्ट्रक्चर रख दिया जाए तो वो क्या सोचेगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे दे वर हॉरिफाइड बट धीरे धीरे उन्हें जो है समझ में आने लगा जब उन्हें नहीं समझ आ रहा था तब उन्होंने कहा कि इंडियन स्कल्पचर्स यूरोपियन स्कल्पचर से इंपीरियर है ठीक है क्यों क्योंकि उनके दिमाग में एक पैटर्न सेट था इंडियन स्कल्पचर्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उन्होंने ग्रीस के इमेजेस के साथ इंडिया की इमेजेस को जो है कंपेयर किया एंड दे वर नॉट एबल टू डू इट धीरे धीरे हमने देखा कि टेक्सचुअल जो आपके टेक्स्ट वाले ट्रेडिशंस थे उनको यूज किया हिस्टोरियंस ने और फिर उन्होंने स्कल्पचर्स की मतलब समझी एंड देन उन्हें इंडिया का जो भी था स्कल्पचर या जो भी ट्रेडिशंस थे बिलीव्स थे वो समझ में आए जैसे कि एग्जांपल के रूप में महाबलीपुरम में टू आइडेंटिफाई द स्कल्पचर अलोंग अ ह्यूज रॉक इन महाबलीपुरम आर्ट हिस्टोरियंस हैव टू सर्च थ्रू द पुरानास महाबलीपुरम में एक बहुत ही बड़ा स्कल्पचर आपको एक रॉक कट स्कल्पचर देखने को मिलता है वो समझने के लिए हिस्टोरियंस को पुराण उठाने पड़े और तब जाकर के उन्हें वो आपका महाबलीपुरम का स्कल्पचर समझ में आया ओके तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि आपके फेस कर रहे थे हिस्टोरियंस कैन वी सी एवरीथिंग क्या जो दिख रहा है वो सत्य है क्या वो सही से उसको समझ पा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने
So with this, students, we have come to the end of the डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 4. इस स्कल्पचर इन महाबलीपुरम पिक्चर भी आपके सामने बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, इसको भी आप देख सकते हैं. और बाकी स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. बाकी अगले आपके लेक्चर में हम मिलेंगे विद चैप्टर नंबर 5, दैट इज थीम नंबर 5, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दी नेक्स्ट बुक, पार्ट 4. So, ये आपका पार्ट 1 का भी एंड था. विद दिस वी हैव एंडेड द डिस्कशन ऑफ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1-2. वी विल मूव अहेड इन योर नेक्स्ट चैप्टर्स. आई विल बी ब्रिंगिंग यू मोर एंड मोर लेक्चर्स विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. एंड फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सबसे पहले हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. और दूसरा, अगर अभी तक आपने प्रॉक्सी ज्ञान के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सो आपको सब्सक्राइब करना है, बिकॉज यहीं पे आपको सारे फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड इन विद प्रॉक्सी ज्ञान फॉर मोर सच कंटेंट एंड मोर सच क्लासेस.